दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट कैसे बनाएं। अगर दोस्तों आपका पास भी कोई भी एक बैंक अकाउंट है, उसी वाली बैंक अकाउंट का आपका पास दोस्तों एटीएम कार्ड नहीं है, आप चाहते कि दोस्तों फोन पे में अकाउंट बना के दोस्तों यूज करना, चालू करना, लेकिन दोस्तों आपका पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, मैं दोस्तों इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आप दोस्तों बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट कैसे बना पाओगे। ठीक है, तो चले दोस्तों यह समय वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपका मोबाइल पे गूगल पे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में होगा तो 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते। देखिए दोस्तों, आपको बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपका मोबाइल पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, अगर दोस्तों अभी तक फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे न्यू वर्जन फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक पर टैप करके दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर दोस्तों आपने ऑलरेडी फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है उसको दोस्तों आपको सबसे पहले डिलीट कर देना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने जो फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है वो दोस्तों ओल्ड वर्जन का। ठीक है, आप दोस्तों ओल्ड वर्जन एप्लीकेशन के अंदर आप बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट चालू नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको दोस्तों न्यू वर्जन फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक दोस्तों मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक पर टैप करके दोस्तों सिंपल सा फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जैसे ही फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपको दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन का होल्ड यूजर है आपको दोस्तों पता ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले कि हम बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट कैसे बनाएंगे। इसीलिए दोस्तों देखिए, अपना मोबाइल पे दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में दोस्तों प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोस्तों लेफ्ट साइड में प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद पूरा पास्ट में आपका प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे दोस्तों रिसीव मनी और दोस्तों थर्ड नंबर पे यहाँ पे दोस्तों पेमेंट मेथड वाला ऑप्शन पे दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको करना है कि पहला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जो कि दोस्तों बैंक अकाउंट ऑप्शन पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरफ का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को आप ऑलरेडी आप यूज करते हो, आपने दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट ऐड करके रखा होगा वो दोस्तों सारा का सारा बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपको न्यू बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए पूरा लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट। ठीक है, आपको दोस्तों ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी दोस्तों आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बिना एटीएम कार्ड के आप चालू करना चाहते उसी वाली बैंक अकाउंट को दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना। ठीक है, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, मान लो कि आपका जो भी बैंक नेम यहाँ पे दोस्तों शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोस्तों आपको करना कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बाय बैंक नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपका जो भी दोस्तों बैंक नेम सर्च कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा वहां पे आपको क्लिक करके आपका जो बैंक अकाउंट को फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना। ठीक है, तो चले दोस्तों मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है, मैं दोस्तों इसी वाली बैंक अकाउंट को बिना एटीएम कार्ड के दोस्तों फोन पे में चालू करना मैं चाहता हूं। ठीक है, तो दोस्तों मैं करूंगा क्या, मेरा बैंक अकाउंट पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, आपको भी दोस्तों आपका बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, तभी दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरा जो एसबीआई का अकाउंट दोस्तों फोन पे में अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, आपको भी दोस्तों इसी तरह बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बैक बटन पे आपको प्रेस कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट ऑप्शन पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरा जो एसबीआई का अकाउंट दोस्तों अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी दोस्तों मैं करूंगा क्या, मेरा बैंक अकाउंट पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, आपको भी दोस्तों आपका बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपको करना क्या, आपको दोस्तों यूपीआई पिन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई पिन। ठीक है, और उसका सीधा रिसेट और दोस्तों सेंस। ठीक है, आपको करना कि यहाँ पे आपको रिसेट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अगर आपका मोबाइल पे सेट पिन करके ऑप्शन मिलेगा तो दोस्तों आपको करना कि सेट पिन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले मैं रिसेट पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आधार नंबर लिंकेड विद बैंक और दोस्तों डेबिट एटीएम कार्ड। ठीक है, अगर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड होगा तो दोस्तों आपको करना कि सेकंड नंबर ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका जो एटीएम कार्ड का डिटेल्स दोस्तों आपको डाल के यूपीआई पिन क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों हमारे पास तो एटीएम कार्ड नहीं है, हम बिना एटीएम कार्ड के हम फोन पे अकाउंट हम बना के हम चालू करना चाहते, तो दोस्तों इसलिए आपको करना क्या, पहला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जो कि दोस्तों आधार नंबर लिंकेड विद बैंक। ठीक है, हम दोस्तों आधार कार्ड का मदद से हम चालू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना,
और उसके बाद आपका जो आधार कार्ड का नंबर दोस्तों आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई आधार नंबर, ठीक है, इंटर द पास्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। आपका जो आधार कार्ड पे 12 डिजिट का नंबर रहता है ना दोस्तों, आपको ओनली पास्ट 6 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, ओनली पास्ट 6 डिजिट का, ठीक है। तो चले दोस्तों मेरा जो आधार कार्ड का पास्ट 6 डिजिट का नंबर दोस्तों मैं डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों मेरा जो आधार कार्ड का पास्ट 6 डिजिट का नंबर दोस्तों मैंने डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं प्रोसीड पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाली मोबाइल नंबर पे दोस्तों आपको एक ओटीपी आएगा। और दोस्तों आपका जो आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाली मोबाइल नंबर पे भी आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपको दो ओटीपी आएगा, ठीक है, एक दोस्तों आधार ओटीपी, एक दोस्तों बैंक ओटीपी, ठीक है। दोनों ओटीपी डाल के यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और ये लो दोस्तों मैंने बैंक ओटीपी और दोस्तों आधार ओटीपी डाल दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों दोनों ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों मेरे को बोला जा रहा है सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन, मतलब दोस्तों यहाँ पे मेरे को 6 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जिसका मदद से दोस्तों मैं बिना एटीएम कार्ड के फोन पे आपसे दोस्तों किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर पाऊंगा, खुद का बैंक बैलेंस चेक कर पाऊंगा, ठीक है। अब जो भी दोस्तों आप 6 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट करोगे उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चले दोस्तों मैं 6 डिजिट का यूपीआई पिन दोस्तों मैं क्रिएट कर लेता हूं। और ये लो दोस्तों मैंने 6 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट किया, ठीक है। आपको भी दोस्तों यूपीआई पिन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको बोला जाएगा कॉन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन। आपने जो दोस्तों 6 डिजिट का यूपीआई पिन डाला था ना उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं दोबारा डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों मैंने कॉन्फर्म किया, ठीक है। आपको भी दोस्तों दोबारा डालने के बाद यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे, आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों आपका भी बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड नहीं है, आप दोस्तों इसी तरह आधार कार्ड का मदद से दोस्तों आप यूपीआई पिन क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। मतलब दोस्तों आप बिना एटीएम कार्ड के भी आप यूपीआई पिन क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको यूपीआई पिन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको बैक बटन पे आपको प्रेस कर देना, ठीक है। आपको दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन का होम ऑप्शन पे आपको चले आना, ठीक है। आने के बाद दोस्तों इन सारी ऑप्शन को आप प्रॉपर तरीके से आप यूज कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप अगर फोन पे आपसे किसी का भी क्यूआर कोड पर स्कैन करके आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को आप यूज कर पाओगे। आप अगर दोस्तों किसी का भी फोन पे का मोबाइल नंबर डाल के आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप पहला वाला ऑप्शन को आप यूज कर पाओगे। और उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आप अगर दोस्तों किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर नहीं तो दोस्तों आप यूपीआई के अंदर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते इस वाले ऑप्शन को आप यूज कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर ऑप्शन पे आप अगर दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर दो बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, ठीक है, आपका खुद का ही बैंक अकाउंट, ठीक है, दो बैंक अकाउंट आपने दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड करके रखा होगा, आप चाहते कि दोस्तों एक बैंक अकाउंट से दूसरे वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना, मतलब दोस्तों खुद का बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए इस वाले ऑप्शन को आप यूज कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पूरा लास्ट वाला ऑप्शन तो दोस्तों को पता ही होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके खुद का बैंक बैलेंस आप चेक कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो यूपीआई आईडी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फोन पे वॉलेट रिवार्ड और दोस्तों रेफर एंड गेट 100 रुपीज, ठीक है। आप अगर दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को रेफर करके आप पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आप पैसा भी आप कमा पाओगे, ठीक है। और भी दोस्तों आपको निश्चित तरह काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि दोस्तों रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, ठीक है। आप अगर दोस्तों फोन पे आपसे दोस्तों मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो दोस्तों मोबाइल रिचार्ज ऑप्शन पे आप क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के दोस्तों प्लान सिलेक्ट करके मोबाइल रिचार्ज भी आप कर पाओगे और दोस्तों डिटेल्स रिचार्ज कर पाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर पाओगे, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों आपको काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि दोस्तों अपना हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पूरा लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके फोन पे एप्लीकेशन का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देख पाओगे, ठीक है। मतलब दोस्तों आपने फोन पे आपसे कितने बजे किसको कितना पैसा ट्रांसफर किया, कहां से कितना पैसा रिसीव किया, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके दोस्तों सब कुछ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देख पाओगे, ठीक है। आप इसी तरह दोस्तों बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट दोस्तों बना के भी आप यूज कर पाओगे, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों मेरे बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में होगा तो 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चले दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।